सूरत शहर में इस मैराथन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं यहाँ सूरत के एयरपोर्ट पर, और अब से थोड़ी देर बाद जो है वह रुख करेंगे यहाँ पर। ये लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम जो है, जिसके ठीक बाहर किस तरह की भीड़ है आप देख सकते हैं, इससे लोगों के रेस्पॉन्स का अंदाजा भी लग जाता है। ये राहुल राज मॉल चौराहा है, जिस पर कि किस तरह की लाइटिंग की गई है, किस तरह की सजावट की गई है, और पूरे चौराहे पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं, पिछले दो घंटे से लगातार जगह जमा कर खड़े हैं, इससे अंदाजा लग जाता है कि आखिर सूरत शहर में जो तमाम लोग हैं उनके लिए यह जो मौका है वह किस तरह का है। आप देखें खासतौर पर जो है हर उम्र के बच्चे या फिर बूढ़े सब मौजूद हैं, और जिस तरीके से हाथ हिलाकर वेव कर रहे हैं उससे अंदाजा लग जाता है। और मोदी धुन ये जैसे चालू हो गई, आप सुने जरा। और तय मानिए कि यह जो है रात के 2 से 3 बजे तक इस तरह का नजारा रहेगा। जो लोग जैसे कि यहाँ पर दौड़ने भी वाले हैं, बकायदा इनका बिल्ला नंबर है यहाँ पर। आपके शहर में प्रधानमंत्री आ चुके हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। क्या प्रधानमंत्री के आने की वजह से ये ज्यादा उत्साह है, आप दौड़ने जा रहे हैं इस मैराथन में इसको लेकर है? देखिए, ये तो हमारे लिए भी गर्व की बात है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहे हैं, तो स्पेशली तो ये हमारी सब फिटनेस के लिए। और मतलब बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं और हम तस्वीरें भी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, उनकी अगवानी की जा रही है। सूरत शहर में आ चुके, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए जाहिर है सूरत के एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल सहित तमाम लोग मौजूद हैं जो कि राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं। और जाहिर है वहां पर वो थोड़ी देर जो अपने साथियों से मुलाकात करने के बाद से फिर वो रुख करेंगे इस चौराहे का, जहां से कि बिल्कुल बगल में स्टेडियम मौजूद है, जहां पर के लाख से भी अधिक लोग मौजूद हैं। ध्यान रखें कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है इस मैराथन के लिए, नाइट मैराथन के लिए, 1.25 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सूरत शहर में, सीधा चेन्नई से वो यहाँ सूरत आए हैं, और जाहिर है एयरपोर्ट पर जो औपचारिकता होती है प्रधानमंत्री के नाते उनके स्वागत की, उसको करने के बाद से वहां पर थोड़ा समय बिताने के बाद से वो रुख इस इलाके का करने वाले हैं। और ये नजारा, यह भीड़, यह उत्साह ये बताता है कि प्रधानमंत्री ने जो यहाँ आने का फैसला किया वो भी नाइट मैराथन को फ्लैग ऑफ करने के लिए, वह जो है सो कितना सोच समझ कर उठाया गया फैसला था। ध्यान रखें कि सूरत शहर में इससे पहले वह कैंपेन के लिए आए थे, जबकि जो है वो यहाँ पर इस शहर की जो सभी की सभी सीटें हैं, जाहिर है उस पर असर आया और सभी सीटें बीजेपी ने जीती, तो उसके बाद से एक तरह से ये थैंक्स गिविंग मिशन भी कह सकते हैं। साथ में जो यूथ है उससे अपने को कनेक्ट करने की भी कोशिश है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आना हुआ है। और चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं फ्लैग ऑफ करने के लिए, 8 बजे के आसपास फ्लैग ऑफ होना है, उसके पहले उनका भाषण भी होना है, उसके पहले जो ये बड़ी तादाद में यहाँ पर हर उम्र के आप देखें, महिलाओं का भी दस्ता है खासतौर पर, उसमें युवा चेहरे कई मौजूद हैं। ये जो है आपके लिए जो है, आप भी इस मैराथन में दौड़ने की तैयारी करके आई हैं? हाँ बिल्कुल। कितने किलोमीटर दौड़ने वाली हैं? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो जो सो आपके शहर में प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं, आपके गुजरात से हैं, मैराथन को शुरू करवाने के लिए आए हैं, ये इस मैराथन को खास बनाता है? यस बिल्कुल बनाता है। इनकी भी इच्छा होगी कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री की एक झलक मिल जाए, उनके साथ सेल्फी अगर मिल जाए तो फिर क्या कहना है, ये लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। ब्रजेश जी देखिए आशुतोष, सेल्फी की तो तमन्ना शायद ना पूरी हो, क्योंकि सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा भीड़ के साथ मिंगल होना संभव नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री कई बार उतर भी जाते हैं, तो हो सकता है इनमें से कई लोग लकी भी शामिल हो, उस तरह से साबित भी हो जाए। लेकिन फिलहाल तो आप देखें कि चूंकि यह लंबे समय बाद होगा जब किसी मैराथन को फ्लैग ऑफ करने के लिए कोई प्रधानमंत्री आ रहा हो, इसके पहले बहुत हाल फिलहाल के पास्ट में याद नहीं आता कि कोई प्रधानमंत्री ने किसी मैराथन को फ्लैग ऑफ किया हो, और वो भी खासतौर पर जब अपने गृह राज्य में है, राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर सूरत में आ चुके हैं, जिस सूरत शहर ने उनकी पार्टी बीजेपी को अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त समर्थन दिया, तो उसी की झलक यहां पर देखने को मिल रही है।